वेट कर रहा हूँ हेरा का, हेरा आ जाए तो उसको सरप्राइज दें। पहले ये वाला सरप्राइज देंगे, अब फिर ये वाला सरप्राइज। इस दफा यार अगर इस दफा कुछ आप हेरा के एक्सप्रेशन नोट करिएगा। यूं इतना नहीं, तुम अपनी आंखें खोलना जब मैं तुम्हारे को बोलूं ना 1 2 3 ओपन योर आईज। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। हाँ तो सो गाइस भाई, आज आपका भाई व्लॉग शुरू कर रहा है दोपहर के 3 बजे। यार कोई मसला थोड़ी है, 3 बजे शुरू करो, 2 बजे शुरू करो, व्लॉग में दम होना चाहिए। बात तो सही है, एनर्जी होनी चाहिए व्लॉग में, चाहे कभी भी शुरू करो। तो एनीवेज आज के व्लॉग का सीन कुछ ऐसा भाई, आज कोई प्रैंक व्रैंक नहीं हो, लिटरली वाकई में कोई प्रैंक नहीं। मैं आपको बोलता हूँ प्रैंक नहीं, वो प्रैंक बन जाता है ना वायरल, लेकिन आज कोई प्रैंक नहीं। वाकई में आज हम करेंगे डेली व्लॉग शूट अपना नॉर्मली, लेकिन आज इस डेली व्लॉग के अंदर ना कुछ स्पेशल है। आज का सीन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। आप बैठे जरा, इत्मीनान रखें जरा गाइस, आपका भाई आपको बताता है। आज जो है ना भाई, आज मैं हेरा को देने जा रहा हूँ एक सरप्राइज गिफ्ट, मगर क्यों? और ऐसा गिफ्ट है कि वो यकीन नहीं करेगी, वो समझे कि प्रैंक ही कर रहे हैं वकास कुछ ना कुछ, क्योंकि जाहिर बात जैसा कि आप हमारे व्लॉग देख रहे हैं नहीं तकल हमारे प्रैंक पे प्रैंक आ रहे हैं, तो वो इसको भी प्रैंक ही समझेगी। तो सरप्राइज क्या है गाइस, मैं अभी शॉप पे चलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि सरप्राइज क्या देने वाला हूँ। छोटा सा गिफ्ट है, जाहिर सी बात है वो यकीन तो नहीं करेगी, लेकिन जब वो यकीन उसको आ जाएगा ना तो फिर मैं उसके एक्सप्रेशन आपको नोट करके दिखाऊंगा कि उसकी आगे फटे रह जाएंगे। एनीवेज भारत चलते हैं, सरप्राइज क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ, आइए मेरे साथ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। तो गाइस भाई आपका भाई गोल्ड शॉप पर आ गया हेरा के लिए टॉप्स देखने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से लें, सारे सेम ही लग रहे हैं तो भाई। स्टोन वाले भी हैं इसमें, बगैर सब बगैर। अच्छा, स्टोन वालों के रेट अलग होते हैं और बगैर स्टोन वाले रेट अलग होते हैं, वजन में फर्क आता है। ये अच्छे लग रहे हैं। A few inches later आपका भाई आ गया है घर पे। भाई धड़ंगे से यूं शूट कर रहा हूँ कि हेरा गई भी है खाला के साथ शॉपिंग पे, तभी आपका भाई खुल के आवाज बुलंद करके बोल रहा है। तो एनीवेज गाइस आपका भाई एक मिनट रुकें, आपका भाई ये टॉप्स लेकर आ गया है। मैं आपको और दिखा देता हूँ ना, थोड़े से और देख लें, खुल जाओ। ये देखा, ये देखिए लग रहा है ना, आला लग रहा है ना। यार देखें भाई, छोटी सी चीज़ है लेकिन गोल्ड की है। अब आपको जैसे कि पता है कि लड़कियों को कितना क्रेज़ होता है ना गोल्ड का, चाहे छोटा हो बड़ा हो, गोल्ड होना चाहिए भाई। तो पागल हो जाएगी हेरा, ये मुझे यकीन है पागल हो जाएगी। पहले तो मानेंगे नहीं, सही है मतलब मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ पागल हो जाएगी। पागल मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यार कोई रीज़न होता ना कि बंदे की सालगिरह हो या कोई ओकेजन हो, शादी ब्याह में कहीं जाना हो करीब, तो उस तक ओकेजन में बंदा कोई गिफ्ट वगैरह देता है तो बंदे को समझ में आता है कि हाँ यार ये तकरीब थी इस वजह से दे दिया। लेकिन ना तो कोई ओकेजन है, ना कोई बर्थडे है, कुछ भी नहीं है। अब बिना रीज़न के आपका भाई गिफ्ट देगा तो उसको यकीन तो फिर तो आना ही नहीं है ना भाई, ये तुम दे ही नहीं सकते हो। तुम्हें कुछ नकली चीज़ लेकर आ गए या कुछ मामला लेकर, ये कुछ तुम प्रैंक कर रहे हो। तो खैर बड़ा मज़ा आने वाला है, उसके एक्सप्रेशन नोट करेंगे हेरा के। और एक दफ़ा और देख लें, एक दफ़ा आवा है भाई के लाइव गोल्ड के बुंदे चेक कर लें, कितने छोटे छोटे से नज़र भी नहीं आ रहे लेकिन यार छोटे हो बड़े बंदा दिल से देता है ना तो बड़े अच्छे लगते हैं। यार बेगम बड़ी खुश हो जाती है, यार मेरे शौहर ने मुझे ना एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है, बिना वजह में दे दिया यार। तो चलो भारत अब खुश हो जाएगी। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ यार, इतनी आराम से कोई चीज़ दे दूँ ये मुनासिब नहीं है ना। जब तक मैं हेरा को तंग नहीं करता ना मुझे मज़ा नहीं आता। तो आपके भाई का भाई एक दिमाग में एक आइडिया क्या आया भाई, एक बॉक्स जो है ना मेरे पास ऐसा पड़ा हुआ खाली एम्प्टी ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये पड़ा हुआ ये रहा, हाँ ये दिखाई देखें, ये रेड वाला बॉक्स है, ये खाली है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको पहले ये देंगे फिर देन उसके बाद उसको असली देंगे ना। तो यार इतनी आराम से देंगे जब तक मैं तंग ना करूँ ना, मेरा खाना हजम होता नहीं है। हेरा को तंग करने में इतना मज़ा आता है। तो वेट करते हैं और जल्दी आ जाए शॉपिंग ख़त्म करके ना, तो फिर जल्दी देखिए मुझे भी ना जल्दी हो रही कि जल्दी से मैं उसको दे दूँ बस ये गिफ्ट ना, और उसकी खुशी नोट करूँ माशाल्लाह से। तो वेट करते हैं, आती है तो फिर मिलते हैं आपसे। 3 hours later 3 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मार्केट क्या पूरी खरीदने चले गई नहीं क्या? इतना रश था, मुझे नहीं पता था कि मुहर्रम में भी इतना रश होता है। मुहर्रम खत्म हो, 10 मुहर्रम तक मुहर्रम होते हैं। अब क्या मतलब मुहर्रम चलते रहेंगे क्या? मंथ तो है ना मुहर्रम का, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना रश होगा। पहले वहाँ रश, वापसी में ट्रैफिक में फंस गए। तुम मुहर्रम में शॉपिंग करने नहीं गई? अरे तो अम्मी, तुम्हारी तरह दूसरे भी तो आएंगे शॉपिंग करने के लिए। मजबूरी क्या, शॉपिंग की कोई मजबूरी होती है? नोट होता चाहिए। मैं तुम्हारा 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ, पूछो तो क्यों वेट कर रहे हो, तो मेरा क्या हो गया? खैरियत तो है, क्या बात हो? मेरा वेट क्यों हो रहा था पहले मुझे था, इससे पहले तो कभी वेट नहीं किया आपने मेरा। तुम्हारा वेट नहीं करूँगा तो किसका वेट करूँगा? मतलब इससे पहले तो कभी नहीं किया ना, बताएं क्यों कर रहे थे? तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया था। रहने दें, अपनी आपकी बातों में बस कर दें। मुझे पता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी। क्या मकसद? मतलब 10 खा चुका है ना 2 से 3 बार, उसके बाद आपकी बातें पर बिलीव नहीं करता। क्यों? अभी आईफोन वाला आपने जो हरकत की थी, आईफोन वाली हरकत, तो आईफोन का डब्बा तो तुम्हें दे रहा। आपने मुझे वो क्या कहते हैं नकली रिंग दी थी, नकली रिंग, मेरी रिंग उठा के मुझे दी थी। दो आपने कर चुके हैं। आईफोन का खाली डब्बा जो है ना, डब्बा हाँ। तो किसी से पूछ लेना, आईफोन का खाली डब्बा ही 50,000 रुपए का है। अच्छा, और वो रिंग का क्या सीन है? तो वो जो रिंग दी मैंने थी तुम्हारे को, अगर दोबारा दे दी तो इसमें क्या मतलब है? अभी लिटरली तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है यार। रहने दे, टाइम वेस्ट नहीं करना। अबे बैठो, रहने दे। अच्छा गिलास रख कराओ, गिलास रख, गिलास रख कराओ, जाओ अभी मार्केट से थक के। अच्छा गिलास रख कराओ, तुम गिलास रख कराओ, गिलास रख कराओ फटाफट। हुजूर अब मुझे पता है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जल्दी आओ तुम, जल्दी आओ। ले यार, अजीब यकीन ही नहीं है आपके भाई पे, कोई यकीन ही नहीं करता यार। हद हो गई यार, एक तो मैं सरप्राइज लेकर आया ऊपर से यकीन नहीं कर। लेकिन मैंने आपको बताया तो मैं यकीन नहीं करेगी मेरी बात पे, क्योंकि हम लोग प्रैंक इतने शूट कर रहे हैं तो वो समझ रही कि मैं प्रैंक ही कर रहा हूँ। कोई समझ नहीं रही है? यकीन है भाई, नहीं प्रैंक नहीं है, लिटरली नहीं है प्रैंक यार, मैं कह रहा हूँ नहीं है प्रैंक, तुम यकीन तो करो। है मुझे पता है बंदे गिला वजह में। अच्छा तुम आंखें बंद करो, तुम आंखें बंद करो, तुम बैठो यहाँ पे, तुम आंखें बंद करो। कोई टॉफी चॉकलेट ही चाहिए, टॉफी चॉकलेट नहीं है। अहमद को ला रहा हूं, अहमद शूट करेगा, अहमद शूट करेगा। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यहां बैठो, यहां बैठो यार। अरे यार तुम बैठो तो, मुझे काम है। अब बैठो तो, तुम बैठो 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 बैठो। अहमद इधर आओ, एक दफा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। हां एक दफा और तैयार। खैर मेरी वजह से अगर आपका कंटेंट बनता है तो बनवा लेते हैं अपना। तो गाइस मैं मोबाइल दे रहा हूं, अहमद हमारी कैमरा मैनिंग करेगा। देखिए गाइस भाई हेरा जो है ना मेरे पे यकीन नहीं कर रही यार, मुझे तो नहीं यार क्यों करूं। एक सीन मेरे एक दफा भी नहीं, 2-2 दफा वकास ने मेरे साथ प्रैंक किया, मतलब मैं क्यों करूंगी? मतलब और अभी कोई ना मेरी बर्थडे है ना कोई ऐसी कोई ओकेजन है ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी का मुझे गिफ्ट है। ये बंदा कह सकती है कि ना कोई बर्थडे है ना कोई वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये सोच रही कि मैं सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया यार, मेरा भी दिल है मैं दे सकता हूँ, मेरी बेगम है ना यार, बेगम है। तुम बता के मैं दे सकता हूँ वो गिफ्ट नहीं। तुम अपनी आंखें बंद करो यार, क्या आंखें भी बंद करनी, मैं सरप्राइज कैसे दूंगा? अरे करी ना मामा, नहीं मुझे खुली नहीं है। ऐसे रखना, हिलना नहीं। ओ भाई अपना तो गाइस देखें आंखें बंद मैंने हिलाई करा दी। अब मैं पहले सरप्राइज आपको दिखा ही चुका हूँ। इंशाल्लाह है माशाल्लाह, बोला मत माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मिनट पहले ये वाला सरप्राइज देंगे और फिर ये वाला सरप्राइज। वाह टू सरप्राइज। जब तो अपनी आंखें बंद रखना, हमें अगर मजे मिल जाए ना तो नाचना शुरू कर दो। अब देखो तुम्हारे बच्चे ने बोल दिया अगर मजे मिल जाए तो ये सरप्राइज। आपने आगे बोले और आप यकीन नहीं करेंगे मैं आपको देगा, तो यकीन मुझे वैसे भी नहीं है। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस आपका भाई गिफ्ट देने जा रहा है आपकी भाभी को, तो 1 2 3 आपके लिए सरप्राइज। मिला वजह में मजाक नहीं यार, देखिए यकीन ही नहीं कर रही यार, मतलब मैं क्या बताया क्या करना है। हर बार आप मेरी इमोशन से खेलते हैं। मैचिंग चेक करें गाइस, देखिए मैचिंग चेक करें, कपड़ों की मैचिंग का बॉक्स आपका भाई लेकर आया है। वाह है ना, वाह यार ये बॉक्स मुझे कुछ देखा देखा लग रहा है। अरे ऐसे 20 बॉक्स लाती हैं आप रिंग्स के यार। हर जूलरी वाली दुकान में यही होता है यार। ये मेरा ही लग रहा है मुझे, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो ये प्रैंक आपको महंगा पड़ जाएगा। आज मैं व्यूअर्स के सामने ये बात बोल, कबूल है कबूल है कबूल है। अभी महंगा पड़ेगा फिर सस्ता पड़ जाएगा, तो ये मुझे रियल में कुछ ला के देंगे। डन चलो यार। देखिए इस दफा यार, अगर इस दफा कुछ आप मेरा एक्सप्रेशन नोट करिएगा कि कितनी खुश हो गई है चीज। अच्छा मैं एक बता दूं, ये चीज जो ना गोल्ड की है और गोल्ड लड़कियों के लिए, तो इसमें गोल्ड ही होता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेरा है। इसमें आप आर्टिफिशियल चीज भी रख के दे सकते हो। 26 लाख का गोल्ड है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी चेक करो आप, गाइस चेक करें, खाली दिखाओ, खोल के दिखाओ ना, गाइस को दिखाओ ना, पहले उनको दिखाओ, पहले मैं नहीं देख लूं, पहले उनको दिखाओ। मुझे पता था, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मुझे पता था ये क्यों देंगे मुझे, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। प्यारी समझ गई, बिना वजह में क्यों देंगे मुझे कोई गिफ्ट। तीसरी दफा भी मजाक, ये डब्बा भी जो ना 150 रुपए, सबर करो। ये मोहब्बत से एक बंदा खाली डब्बा भी दे रहा है, तो वो बंदे को कबूल कर यार ये मेरा है, ये मेरा ये। हाँ नहीं तो टाइम वेस्ट कर दिया, खाना बनाने जा रही थी। बात तो सुनो यार, अब ठीक है यार, बस यार बस, मुझे पता है क्या आप कुछ नहीं लेकर। दे तो दिया, अब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मैं जा रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं, कंटेंट क्रिएट करना था, कर लिया यार। वो तो एक बात, मुझे पता था कि आप मजाक करें, फिर भी मैं बैठ गई गिफ्ट लेने। मुझे पता था लालच बुरी बला है, लालच नहीं। तुम समझते हो मैं कुछ बोल के यार दे सकते हैं, लेकिन कोई रीजन तो होगा ना, कोई बर्थडे हो, कोई ओकेजन हो, कोई वेडिंग एनिवर्सरी। तुम आंखें बंद करो, लिटरली आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, करो ना, तुम आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ऐसे रहना, बंद करो अपना। तो गाइस अहमद दे दे, यस ओके ना, आपका भाई ना शाहरुख खान की तरह हीरो बन के देगा। ये इतना नहीं, अब तुम अपनी आंखें खोलना जब मैं तुम्हारे को बोलूं ना, 1 2 3 ओपन योर आईज। ये मेरे तो नहीं है पुराने कोई, सच में लेके आ गए, थैंक यार, हद हो गई यार। अच्छे लग रहे हैं यार, लेकर आ गए और क्या, बहुत अच्छे हैं। मैं दे सकता हूं? नहीं नहीं दे सकते हैं यार, लेकिन आप अक्सर मजाक ज्यादा करते हैं ना। इस दफा वकास से मुझे रियल में दिए हैं, ये प्रैंक नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। गोल्ड मुझे यकीन है, हाँ बस मुझे, मैं ये सोच रही हूँ ये प्रैंक तो नहीं है, ये वाकई में गोल्ड है या आर्टिफिशियल दिए हैं? सीरियसली 21 से 22 कैरेट हो गया ना, 21 कैरेट का गोल्ड दिया। वाकई बहुत अच्छे हैं यार, सीरियसली। एक दफा तो मैंने देखा, मैंने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजाक करें, लेकिन वाकई बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसलिए कि कोई रीजन नहीं है ना गाइस, इस वजह से मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। वरना वैसे मुझे वकास माशाल्लाह से गिफ्ट देते रहते हैं, लेकिन कोई रीजन नहीं है ना आज, तो इसलिए मैं इसलिए बिलीव नहीं कर रही थी। वरना ये होता है कि वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे वगैरह पे वकास मुझे ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट देते रहते हैं, लेकिन अभी विदाउट एनी रीजन इतनी मेहरबानी, किस खुशी में, ये तो बता। छोटा गिफ्ट, छोटा भी अच्छा खासा महंगा हुआ है आजकल, आप गिफ्ट यानी कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर दिखने में छोटा है, लेकिन अच्छा खासा महंगा हुआ है, ये मुझे पता है। तो भाई थैंक यू सो मच, इस दफा अब मुझे बिलीव हो गया वकास पे, यानी कि बहुत जल्द मेरा आईफोन भी आ रहा है। वाह व्हाट अ, मैं जो बोलूंगा ना, बोलता हूँ अल्लाह ताला वो इंशाल्लाह ताला पूरा लाजमी कराता है। थोड़ी सी देर सवेर हो जाती है, लेकिन वो चीज पूरी लाजमी होती है। आईफोन 15 का 16 दे देंगे, लॉन्चिंग होने देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, ऐसा लगेगा। थैंक यू सो मच। चले मत कैमरामैन चेंज। हाँ तो गाइस भाई मेरा कुछ यकीन नहीं आ रहा कि आपके भाई ने से गिफ्ट दे दिया है। ये देखें, बार बार दी, अच्छा लग रहा है, पहन भी लूंगी। देखा ना कैसे, मैंने वहाँ सही से देख नहीं पाया था, है तो छोटे छोटे से, लेकिन ये वो चीज़ है जो मुस्तकिल बंदा नहीं। मुझे असल में बात सारी ये है कि मुझे वकास को ये बात पता है कि मुझे ना छोटे छोटे टॉप्स और बिल्कुल लाइट ज्वेलरी पसंद है, मुझे बहुत हैवी और ओवर ज्वेलरी पसंद भी नहीं है। तो ये बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक, ये मुस्तकिल डाले भी रखे ना कान में तो मसला नहीं होगा, बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक लेकर आए वकास, तो इसलिए थैंक यू सो मच। खोना नहीं, क्यों बताओ, ये छोटी मोटी चीजें तो गोल्ड की ऐसी खो देती है, रख के बोल जाती है। ये तो जिस अंगूठी की बात करें ना, कि मैंने उसको वो जो पुरानी अंगूठी गिफ्ट कर दी थी, वो अहमद और मुझे ना उस कमरे में पड़ी हुई मिली थी। तो अहमद मुझे पापा मामा की अंगूठी, मैंने बोला आप सरप्राइज करते हैं। अब यकीन करें, सोने की चीजें ऐसे फेंकती फिरती है भाई, अल्लाह माफ कर भाई, इसके नहीं फेंकना। डायमंड भी लगे हैं, डायमंड तो नहीं बेटा, ये नग होते हैं। अच्छे लग रहे हैं भाई, फौरन पहन दिए लड़की ने यार, डिसेंट से लग रहे हैं। पता है मुझे पसंद नहीं, ये बड़ी बेहतरीन चीज होती है कि भाई जिसके लिए गिफ्ट लाओ उसको पसंद है। और आपको पता है लड़की को तो भाई गोल्ड की चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, तो शुक्र है अल्लाह का कि भाई इन्हें पसंद आ गया है। और अब ये कान से उतरेंगे नहीं, मुझे लग रहा है सब ऐसे ही। तो एनीवेज करता हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलूंगा कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।